रुद्रप्रयाग में। ये देखिए अलकनंदा नदी और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है और यहाँ बताया जाता है ये चार धामों की रक्षा करती हैं। भाग रहे तुंगनाथ में से निकलती हुई मंजीत आपको दिखा दो पहाड़ी चूला बहुत तेज भाग रही है। मीटर खराब है इसका, गाड़ी बड़ी तेज भाग रही है। दोस्तों यहाँ पे हमने अपना टेंट लगा दिया। ये देखिए दोस्तों ये है गौरीकुंड। ये देखिए केदार घाटी से किस तरह से ये मंदाकिनी रिवर आ रही है। दूध गर्म कर रहे हैं और रात को अपना खाना खा के। दोस्तों मैं मंजीत मुंद्रा आशा करता हूँ आप सब अपनी जगह ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं केदारनाथ की यात्रा शुरू करने वाला हूँ और अभी मैं हरिद्वार पहुंच गया हूँ। यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी मेरी। अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ 2 बजे और यहाँ पे आने के बाद हम सब ये सोचते हैं कि केदारनाथ किस तरह जाया जाए। तो यहाँ से जाने की मतलब आप प्रीपेड टैक्सी में भी जा सकते हैं, टाटा समूह यूनियन है यहाँ पे शेयरिंग करके भी जा सकते हैं, और तीसरा है बस सर्विस से भी जा सकते हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है प्रीपेड बुकिंग काउंटर है यहाँ पे, तो इनसे भी एक बार प्राइस पूछ लेते हैं कि क्या प्राइस है। ये देखिए ये है दोस्तों यहाँ पे चार धाम यात्रा बुकिंग ऑफिस। ये बिल्कुल यहाँ पे वो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है और ये बस स्टैंड का मेन एंट्री गेट। अच्छा सर एक बार ये प्राइसेस बता दो चार धाम के, अगर कोई भी वहाँ पे जाना चाहता है तो। चार धाम का जो हमारा है 4,000 रुपए पर डे के हिसाब से, 9 दिन के 36,000 रुपए पड़ते हैं। अच्छा 9 दिन के 36,000 चार धाम का प्राइसेस। तो ये है दोस्तों ये प्राइसेस। तो ये देखिए ये है इनकी प्राइस लिस्ट, इस रेट्स के मुताबिक आप जा सकते हैं और इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगी। और जो भी ये प्राइसेस है उसमें 1,000-2,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा कुछ ना कुछ है जी। तो इस तरह से अगर आप प्रीपेड टैक्सी करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे टाटा इंडिगो डिजायर इस तरह की काफी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी प्रीपेड टैक्सी का आपको बताया था रेंट, और ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेवल्स की काफी शॉप्स हैं, आप इन पे जरूर पता करें, इनसे क्या है आपको काफी आसानी होगी और रेट्स का पता लगेगा, इसलिए हर शॉप पे पता करोगे तो बहुत बढ़िया है। तो सर हमें भी ये चार धाम का केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का जो भी प्राइसेस है, रेंट है जो भी है वो बता दीजिए। हमारी बस जाती है उसका किराया 700 रुपीज है, पिछले साल 600 रुपए था, तेल की वजह से किराया बढ़ गया है। बद्रीनाथ का 800 रुपए है और केदारनाथ का 700 रुपए है बाई बस। अगर आप टैक्सी लेंगे टैक्सी का किराया 11,000 रुपए है 3 दिन का। और चार धाम अगर कोई पूरा चार धाम कवर करना चाहता हो तो उसके सर 31,500 रुपए है, 3,500 रुपए पर डे, सुपर डिजायर गाड़ी मिलेगी आपको। हाँ तो मेन ये है जैसे आप खाने के लिए तो आधा घंटा रुकेगी मगर मेन साइड सीन्स पे नहीं रुकती बस। हाँ अगर आप अपनी पर्सनल टैक्सी तो वो हर जगह रुकेगी आधे घंटे के लिए। तो पर्सनल टैक्सी अगर बुक करवा के जाते हो तो आप कहीं पे भी रुकवा सकते हैं। ये देखिए ये इनका बोर्ड है, अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग करवाना चाहता है ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग हो जाती है, नंबर लिखे हुए हमारे, हम ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए बस सर्विस शुरू हो जाती है 2:30 बजे जो कि 7-7:30 बजे तक चलती है, तो इसलिए यहाँ पे आओ तो अपना 2:30 बजे अपना 3 बजे अपना बस सर्विस आप बुक करवा सकते हैं जल्दी से। यहाँ पे दोस्तों फाइनली हमने की है ये अपनी 9 सीटर टाटा समो, यहाँ से जाएगी वो अपना केदारनाथ, और यहाँ पे ये देखिए बुकिंग काउंटर है और यहाँ पे प्राइस है 1,125। तो यहाँ से रसीद भी मिल जाती है वो भी आप कर सकते हैं, अगर 9% है तो आराम से अपना उसमें भी जा सकते हैं। तो अभी बुक कर लिए अपना, अभी गाड़ी की तरफ चलते हैं। टाटा समो ये जाएगी केदारनाथ और इसमें 9% बैठे हुए हैं और ये हमें भाई बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो मतलब जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अभी आप बने रहिएगा देखते रहिएगा ब्लॉग में। और ये देखो हमने तो बैंक बूट भी ले लिए और साथ में घर से भी लेकर आए थे, तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। और सारा सामान ये देखिए देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ रख दिया गया है और सारा सामान सेफली बांध दिया है इन्होंने, और फिर ये आप जर्नी कर सकते हैं केदारनाथ। और ये देखिए दोस्तों उत्तराखंड में हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। ये देखिए अलकनंदा नदी और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है, कितना प्यारा संगम है, और दो अलग अलग कलर्स भी आपको मिलते हुए दिख रहे होंगे, और वहाँ नीचे एक मंदिर बना रखा है जहाँ पे लोग अपना स्नान करते हैं। और ये फूडी राहुल भाई क्या करके मानोगे आप? भाई मैं भी यही देख रहा हूँ संगम बड़ा प्यारा चल रहा है, और देखिए वहाँ पे श्रद्धालु वो देखिए नहा रहे हैं नीचे, तो ये बहुत ही अच्छे स्नान है। और आज है पूर्णवासी, तो पूर्णवासी का स्नान तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, तो हम भी सोच रहे हैं वहाँ चल के नहाए नाले क्या आगे चलेंगे भैया, लेट हो जाएंगे नहीं तो दर्शन करेंगे आगे जाके, वहाँ पे बर्फ भी गिरी हुई है बर्फ तो, में निलाओगे तो देखते हैं वहाँ पे बर्फ में क्या रहेगा है।
दोस्तों मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं दारी देवी मंदिर है ये, और यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये बहुत ही प्राचीन और सिद्ध स्थल मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ बताया जाता है ये चार धामों की रक्षा करती हैं, और यहाँ पे इनके मुख की प्रतिमा है। और एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ, ऐसे बताते हैं जो 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी जून के महीने में, जो ये मंदिर में मूर्ति थी उसको हिलाने की जब कोशिश की गई थी, जब वो आपदा आई थी, तो यहाँ से अगर आप गुजरते हैं रुद्रप्रयाग जाते हुए, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में ये दारा देवी मंदिर पड़ता है, तो यहाँ पे दर्शन करना बनता है दोस्तों। जय माता दी। आज अपने साथ केदार ट्रिप में अनिल भाई जुड़ा हुआ है, और अपना पूरे केदार ट्रिप में अपना साथ निभाएगा अनिल भाई। और अनिल भाई कैसा लग रहा है आपको ट्रिप में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पवित्र जगह है ये, और ये आना चाहिए कभी लाइफ में एक बार तो जरूर आना चाहिए, यहाँ पे जरूर आना चाहिए। और अनिल भाई ने बताया था दारी देवी यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही सिद्ध पीठ है, बहुत फेमस है, और चार धामों की रक्षा की जाती है इनके द्वारा। चलते हैं अनिल भाई हैं, आगे यात्रा शुरू करते हैं कंटिन्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा व्लॉग दोस्तों, जुड़े रहना व्लॉग में। ये देखिए भाई, ये ऊपर रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ की तरफ, और ये लेफ्ट में अगर आप मुड़ जाओगे तो ये रास्ता जा रहा है केदारनाथ की तरफ। इतनी स्पीड से चलाई जा रही है, क्या कह रहे हो भैया? भैया तो ऐसे चला रहे हैं भैया, आप भैया आराम से चलाओ, होले होले, इसका बैटरी खराब है तेरी। अनिल भाई भी पीछे डरा हुआ बैठा है भाई, हमका डर लग रहा है, गाड़ी उठ के भाग रही है लेकिन मीटर खराब है इसका, दिल की धड़कन बहुत तेज भाग रही है, मीटर 120 पे चल रहा है, मीटर खराब है इसका, गाड़ी बड़ी तेज भाग रही है, क्या हुआ? ये हिमालय है, बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं और बादलों के बीच में घिरा हुआ, ये देखिए कितना प्यारा नजारा है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो मंदाकिनी रिवर आ रही है वहाँ से, केदारनाथ से, और ये यहाँ नीचे से जा रही है तुंगनाथ से आ रही है ये आकाश कामनी रिवर, और यहाँ पे ये नदी का संगम हो रहा है, ये भी बहुत ही प्यारा संगम है, देवप्रयाग के बाद ये संगम भी देखने को मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, वहाँ पहाड़ों के बीच में से तुंगनाथ में से निकलती हुई वो नदी आ रही है, और इन पहाड़ों के बीच में से आ रही है केदारनाथ से रिवर मंदाकिनी, तो ये भी बहुत ही प्यारा संगम है जो देखने को मिला और मैंने आपको दिखाया, और इसी तरह जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, बने रहना दोस्तों व्लॉग में, आगे की तरफ चलते हैं। मंजीत आपको दिखा दो पहाड़ी चूल्हा, ये देखो ये पहाड़ी चूल्हा है, ये ऊपर यहाँ पे इन्होंने बर्तन रखा हुआ है, यहाँ से अंगीठी में लकड़ी वगैरह लगाते हैं, और ये भैया बताएंगे बाकी सारा सब कुछ। इसके पीछे भी आग आग आगे जलती है, और पीछे सब्जी वगैरह गर्म जाती है। अच्छा सेटअप कर रखा है भैया आपने, और ये चावल बन रहा है, अभी तैयारी हो रही है। तो मैडम ने यहाँ पे ना अभी मिक्स वेज सब्जी बनाई थी, और हमें खाने में बहुत अच्छी लगी, और चटनी बनाई थी देसी चटनी, मतलब प्याज की, और ये देखो कितनी मजेदार है एकदम फुल। तो भैया हमें तो खा के बहुत अच्छा लगा, सिर्फ 50 रुपए का पराठा है, अभी केदारनाथ जा रहे थे हमें भूख भी लगी, 50 रुपए का पराठा खा लिया, टेस्टी लगा बिल्कुल। तो अगर यहाँ से आप गुजर रहे हो, यहाँ पे ये संगम भी हो रहा है, तुंगनाथ से रिवर आ रही है और केदारनाथ से रिवर आ रही है, तो यहाँ पे आप रुक के खा सकते हैं। हाँ देखो जी, अभी अभी यहाँ पहुंचे हम सोनप्रयाग में, अभी यहाँ घाटी से उतरे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं चले थे कड़कती धूप में, और यहाँ पे मौसम हो रहा है बिल्कुल ठंडा, ये आपके काम आएगा। ये देखिए दोस्तों, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी पार्किंग ये लगी हुई है, यहाँ पे गाड़ी पार्क आराम से कर सकते हैं, और आगे मल्टी पार्किंग भी है। अनिल भाई पहुँच ही गए आखिर केदार दर्शन के लिए हैं, पहुँच गए, तो अभी देखते हैं आगे चलते जाएंगे, अभी यहाँ सोनप्रयाग से गोरीकुंड जाएंगे, और उसके आगे फिर दर्शन करते हैं, जैसी भी ट्रिप रहेगी वो दिखाते रहेंगे आपको, बने रहिए आप। देखिए भाई गोरीकुंड जाते हुए, ये यहाँ पे होटल ही होटल, हर तरह के होटल बना रखे हैं यहाँ पे, और ये देखिए प्रशासन के द्वारा काफ़ी सिक्योरिटी का भी इंतजाम कर रखा है, तो अपना ध्यान से निकलना पड़ेगा अनिल भाई हैं। ये देखिए यहाँ पे मैप, ये स्वागत हो रहा है, और ये सोनप्रयाग गोरीकुंड सोनप्रयाग, 50 रुपये किराया लगता है यहाँ से, और ये पुल पार करके आपको जाना होगा आगे। राहुल भाई ने भी बैग दे दिया, और अनिल भाई बैठता हुआ यात्रा की शुरुआत करता हुआ। चलो राहुल भाई बैठे हैं। मेरे पीछे की तरफ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, अनिल भाई भी जाम से, जाम में गाड़ी से उतर ही थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, इन्हें रास्ता देना चाहिए, और ये
थोड़ा सा जाम यहाँ पे खुलता हुआ, यहाँ पे सिंगल रोड है तो इतना है नहीं रास्ता, यहाँ पे आराम से निकल नहीं पाते। सोनप्रयाग से चले थे, लगभग एक डेढ़ घंटा हो चुका है हमें, तो अभी तक तो जाम लगा हुआ है, बाकी हम चल ही रहे हैं आराम से पैदल पैदल, और गौरी कुंड में अपना स्टे करेंगे वहाँ पे हम। और ये थोड़ा सा खुल गया है जाम, और अब बैठते हैं जल्दी से और फिर चलेंगे। चलो 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 चलो, मेरे को छोड़ के भाग गए आगे तक, खुला खुला स्पीड में। हाँ लो भाई, जाम खुल गया थोड़ा, और अभी भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, जय केदार, और देखते हैं आगे। जय श्री बद्री। कहाँ चले भाई? लो भैया, यहाँ से केदारनाथ शुरू है, चढ़ाई शुरू है। ये 16 किलोमीटर लिखा है मगर एक्चुअल में ये 21-22 किलोमीटर है, तो अभी यहाँ से चलते जाएंगे और यहीं से पिट्ठू भी मिल सकते हैं, अगर पिट्ठू करना हो तो वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे ये पैदल मार्ग के लिए कंडी की तरह लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ट्रैकिंग करके ऊपर चढ़े थे, अपना कैंप लगा लिया हमने, वो भी दिखाऊंगा अभी। अपना बैग तो 90 लीटर का था, ऊपर जैसे आप चढ़ोगे केदारनाथ ट्रैक पे जाओगे तो वहाँ पे छोटे बैग जो होने जरूरी है, अगर आपके पास छोटे बैग होंगे तो आप आसानी से जर्नी कर पाओगे, और बड़ा बैग यहाँ क्लोक रूम में रख दे। तो भाई से एक बार प्राइस पूछ लेते हैं, भाई क्या प्राइस है अपने यहाँ बैग का, अगर हमें कैरी बैग चाहिए तो जस्ट स्टार्टिंग कितनी है अपनी यहाँ? 100 रुपए से है। तो ये देखिए 100 रुपए में दोस्तों आपको ये मिल सकता है, अपना ये पिट्ठू बैग भी कह सकते हैं इसे, और ये स्मॉल बैग है, ये भी आपकी जर्नी में बहुत काम आएगा, ये है 350 का। तो यहाँ पे कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और सही सामान लगा, मैंने भी यहाँ से 3 बैग्स लिए हैं अभी दोस्तों। यहाँ पे हमने अपना टेंट लगा दिया और यहीं पे हम अपनी कैंपिंग करेंगे, क्यों अनिल भाई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मंदाकिनी नदी बह रही है, और ये देखिए दोस्तों केदार घाटी कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से नदी आते हुए, ये देखिए दोस्तों क्या प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू कायम मिलता है। और ये देखिए अपने टेंट में हमने सारा बढ़िया सेटअप कर लिया है, और यहाँ पे अपना हम रात को रात बिताएंगे, और यहाँ पे मतलब जो भी बाहर से आते हैं वो अपने अपने टेंट काफ़ी लोग लेके आ जाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, उससे क्या है पैसों की सेविंग्स भी है आपकी, अच्छा रहेगा वो। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे होटल भी प्रोवाइड हो जाते हैं आराम से, मेरे पीछे वहाँ पे होटल्स ही होटल्स हैं, और खाने का भी आपको मिल जाएगा आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। होटल्स आपको 1000 रुपये पर पर्सन आराम से मिल जाता है यहाँ पे, और खाना थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे वाटर बोतल भी अगर आप लेंगे तो वाटर बोतल का प्राइस भी यहाँ पे 50 रुपीज़ में मिलती है 20 रुपीज़ की, तो वो इसलिए होती है क्योंकि ऊपर लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। गौरी कुंड है काफ़ी फेमस कुंड यहाँ पे, जिसमें गर्म पानी निकलता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अगर आप रेंट पे ये टेंट लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये आपको प्राइस देना होगा 1 पर्सन का, और अगर आप पूरा टेंट लेना चाहते हैं तो 3000 या 2500 में आपको मिल जाएगा। केदार घाटी से ये मंदाकिनी रिवर आते हुए दोस्तों, और ये देखिए ऊपर मौसम यहाँ पे कब बदल जाता है बता ही नहीं सकते, और ये देखिए बादलों में घिरा हुआ है यहाँ केदार घाटी, कैसे बादलों में घिरी हुई है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये एक और भाई ने टेंट लगाया है यहाँ पे इसी तरह, ये देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे टेंट मिल जाते हैं जिनका प्राइसेस 1000 रुपये पर पर्सन है। और वहाँ पे सामने गौरी कुंड है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं, और गर्म पानी का स्रोत है वहाँ पे, और यहाँ साइड में पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं जो कि अपना टेंट्स में यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी है, जब भी आप यहाँ आते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए दोस्तों ये है गौरी कुंड, और यहाँ पे कैसे ये भाप भी आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे बहुत ही गर्म पानी है, यहाँ पे स्नान कर सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है मंदाकिनी रिवर का, कितना प्यारा नज़ारा है केदार घाटी में, इतना प्यारा नज़ारा मिल रहा है और सपनों जैसा लगता है यहाँ पे आके बिल्कुल। ये देखिए केदार घाटी में किस तरह से ये मंदाकिनी रिवर आ रही है, कल सुबह हम वहाँ पे दर्शन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अपनी पार्वती माता जी ने तप किया था, उन्हें गौरी माई कहा जाता है, और यहाँ पे तप करने की वजह से गर्म पानी का स्रोत उत्पन्न हुआ था। ये देखिए दोस्तों गर्म पानी का स्रोत, वहाँ से गर्म पानी निकल रहा है, और भाप भी आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो इसलिए क्लियर नहीं दिख पा रहा। ये देखिए पहाड़ों में इतने ठंड के मौसम में भी यहाँ पे कितना प्यारा स्रोत चल रहा है ये, और गर्म पानी है दोस्तों ये। ये दोस्तों आज का दिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा, और ये देखिए यहाँ पे हमने अपना सेटअप लगा रखा है, और यहाँ पे हमने अभी अपने लिए यहाँ पे दूध उबाल लिया, और ये जो हम अभी ये चूल्हा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये ब्यूटेन गैस है और ये चूल्हा है, और यहाँ पे हम ये अपना
दूध गर्म कर रहे हैं और रात को अपना खाना खा के और फिर आराम से हम सोएंगे। और ये हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। अनिल भाई तो अपना सोने की तैयारी में है बिल्कुल। जो खाना तो सुबह आएगा भाई। ये अनिल भाई इनवाइट कर रहा है, अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। और ये देखिए क्या बढ़िया टेंट का सेटअप किया हमने अंदर। और ये राहुल भाई भी अपना बिल्कुल मजे में भाई, ठंड में पूरी ठंड में बिल्कुल अपना सेफली सिक्योर अपना है बिल्कुल यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने सारे टेंट लग चुके हैं। यहाँ रात का टाइम है और इतने सारे टेंट लग गए हैं यहाँ पे हमारे पीछे, यहाँ पे भी लग चुके हैं। ये अपने टेंट लाए हैं तो उससे क्या है थोड़ी बचत हो जाती है, सेविंग हो जाती है। और अगर वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कल हम वहाँ ऊपर ट्रैकिंग करेंगे, चढ़ना शुरू करेंगे। 20-21 किलोमीटर ट्रैकिंग है और केदारनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग में आता है और ये चार धाम यात्रा में उत्तराखंड में है। तो कल चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।